नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो हम डिटेक्टर पढ़ रहे थे उसमें जीएम काउंटर के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम, और जीएम काउंटर के दो पार्ट हमने अपलोड किए हैं, जिसमें पहले पार्ट में हमने उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में अध्ययन किया था, और जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने समन प्रक्रिया क्वांचिंग प्रोसेस के बारे में अध्ययन किया, पक्षाघात समय, पैरालिसिस टाइम, रिकवरी टाइम, इन टॉपिक्स को हमने पढ़ा था। आज की वीडियो में हम प्लेटो क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि जीएम काउंटर में जो प्लेटो क्षेत्र होता है या जिसे अभिलाक्षणिक क्षेत्र कहते हैं वो क्या होता है, यहीं पर आपका जो जीएम काउंटर है वो ऑपरेट होता है। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहें, इसको समझते रहें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो करैक्टरिस्टिक कर्व है या प्लेटो कर्व है वो क्या होती हैं, किस प्रकार का रीजन होता है, उसके बाद क्या होता है, कितनी वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, इस प्लेटो क्षेत्र में इसका जो स्लोप है, ढाल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसका फॉर्मूला भी हम बताएंगे, और उस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पर आते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है लेकिन उसको न्यूमेरिकल में यूज़ करना अगर नहीं आया तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी सोल्व करवाऊंगा ताकि आपको उस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से यूज़ करना आ जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है वो बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 19, और जनरल बीएससी थर्ड ईयर का 3 नंबर यूनिट का लेक्चर है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स में आती है। तो यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे प्लेटो क्षेत्र के बारे में, जीएम काउंटर की जो गणन दर है जिसे कैपिटल एन से नोट किया जाएगा। देखिए, गणन दर का मतलब है कि जितने आयनकारी कण उसके अंदर प्रवेश करते हैं और जितने आयन युग्म उत्पन्न होते हैं उनमें से कितने की वो गणना कर सकता है, कितनों की वो काउंटिंग कर सकता है, वो उसकी गणन दर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी गणन क्षमता वगैरह के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तथा वोल्टता के मध्य के वक्र को प्लेटो वक्र कहा जाता है, यानी जीएम काउंटर की जो गणन दर है और वोल्टेज में जो हम वक्र बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसी को हम प्लेटो वक्र कहते हैं, और इसी की सहायता से जीएम काउंटर की परिचालन वोल्टता ज्ञात की जाती है, यानी वो वोल्टेज जिस पर जीएम काउंटर है वो ऑपरेट होता है, परिचालित होता है, वो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो कर्व है ये आपका प्लेटो कर्व कहलाता है। यहाँ पर एक्स अक्ष पे वोल्टेज ली गई है और आपके वाई अक्ष पर गणन दर ली गई है जिसे कैपिटल एन से डिनोट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो VT है जिसे आप थ्रेशहोल्ड वोल्टेज कहते हो, जिसका मान 800 से 1000 वोल्ट के मध्य होता है और जिसे दहली वोल्ट तक कहा जाता है। तो यहाँ पर V1 और V2 जो है वो एक वोल्टेज रेंज है जिसके अंदर प्लेटो कर्व आपको मिलेगा, GM ट्यूब की वोल्टेज है ये, और यहाँ पर है N1 और ये है N2 जो कि अलग अलग वोल्टेज पर गणन दरों को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जीएम काउंटर है वो थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से कम वोल्टेज पे काम ही नहीं करेगा, जो वीटी वोल्टेज होगी, थ्रेशहोल्ड वोल्टेज होगी, उसके ऊपर वो काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा। और देख सकते हो एक V1 वैल्यू जो है उसकी वोल्टेज की, उसके बाद ऑलमोस्ट ये लगभग नियत हो जाता है, और एक रेंज के बाद यानी V2 के बाद जब वोल्टेज को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा अविरत विसर्जन, यानी कि जो आपका लास्ट रीजन आता है, सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको 6 रीजन बताए थे, उसमें से जो लास्ट रीजन था आपका अविरत विसर्जन, वो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये वक्र जो है प्लेटो वक्र है वो वहीं पर आप देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट में जो 6ठा रीजन है आपका उससे जस्ट पहले गाइगर क्षेत्र एक होता है, वहीं पर जो वक्र है वही वक्र यहाँ पर बनाया जाता है। अब ये जो V1 और V2 है इनके बिटवीन का जो रीजन है उसे प्लेटो रीजन कहा जाता है, और ये जो कर्व है उसे प्लेटो कर्व कहा जाता है। इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये कर्व है वो क्या कहता है। जैसे मैंने आपको बताया, इस ग्राफ को देखकर ही आप इसके बारे में लिख सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि जो जीएम काउंटर है वो थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से कम वोल्टेज पे ऑपरेट नहीं होता है, एक फिक्स वोल्टेज V2 के बाद वोल्टेज और ज़्यादा इससे करने पर आपका अविरत विसर्जन प्रारंभ हो जाता है, और V1 और V2 के बिटवीन का जो डिफरेंस होगा उसी के अंदर आपको प्लेटो कर्व मिलेगा, वहीं पर आपका ये ऑपरेट होगा। तो यहाँ पर आप पॉइंट के अकॉर्डिंग देखें कि पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि वक्र से स्पष्ट है कि जो VT है, थ्रेशहोल्ड वोल्टेज है, उससे कम वोल्टता पर काउंटर का परिचालन यानी ऑपरेट नहीं होता है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, ये देखें यहीं से ये स्टार्ट होता है,
इससे कम वोल्टेज पे ये ऑपरेट ही नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है कि वीटी से अधिक पोर्ट ताप पर, यानी इस वीटी से जब वोल्टेज की वैल्यू आप ज़्यादा करोगे तो गणन दर लगभग वो नियत हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो एक फिक्स प्रास में रेंज में ये लगभग नियत हो रही है, नियत हो जाती है, तो आरोपित वोल्टता के इस प्रास को आप प्लेटो क्षेत्र बोलेंगे। तीन नंबर पॉइंट है कि यह 200 से 300 वोल्ट कोटे की विस्तारित क्षेत्र है, यानी ये लगभग इतना विस्तार इसके अंदर होता है कि यहाँ से V1 और V2 का जो रेंज है वो लगभग 200 से 300 के बिटवीन आता है। अब चार नंबर पॉइंट आप लिखोगे कि इस क्षेत्र से, यानी इस प्लेटो क्षेत्र से ज़्यादा वोल्टेज आप लगाओगे, यानी जब आप V2 से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो अविरत विसर्जन है वो शुरू हो जाएगा और आपका लास्ट रीजन प्राप्त होगा। पांचवा पॉइंट है प्लेटो वक्र का ढाल, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जो प्लेटो वक्र का ढाल है वो कितनी वोल्ट से ज़्यादा नहीं लिया जाता है, उसमें ढाल में कितना ज़्यादा परसेंटेज के अंदर हम निकालेंगे कि वो ढाल लग कितना परसेंट होना चाहिए पर 100 वोल्ट के अंदर। तो प्लेटो वक्र के ढाल का फॉर्मूला होगा N2 - N1 / N एवरेज (100/V2 - V1) / 100%, और ये परसेंट जो है वो प्रति 100 वोल्ट के अंदर निकाली जाएगी। यानी यहाँ पर ये जो गणन दर है N2 - N1 / N एवरेज आएगा, इंटू में 100/V2 - V1 आएगा, इंटू में 100 आएगा, और वो परसेंटेज के अंदर निकलेगा, लेकिन वो निकलेगा प्रति 100 वोल्ट पर। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करते हैं किसी भी एक वैल्यू पर तो 5% प्रति 100 वोल्ट से अधिक आप इस ढाल को नहीं लेते हैं। प्लेटो वक्र का ढाल जो है वो 5% प्रति 100 वोल्ट से अधिक नहीं लिया जाता है GM काउंटर के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको मिलते हैं, और इस पर एक एग्जांपल है जिससे आप इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से यूज़ करना सीख जाएंगे कि इसकी वैल्यू किस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल में दी जाएगी। इसकी भी पूछी जा सकती है कि ये जो फ्लैक्शन होता है वोल्टेज में V2 - V1 का मान क्या हो जब आपके पास ढाल इतना परसेंटेज हो, इस प्रकार से दिया जाएगा। तो इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर बताया है ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ जाएं, और पेपर में चाहे न्यूमेरिकल आए या इस टॉपिक के बारे में आए, आप इसको छोड़ के बिल्कुल भी ना आए, अच्छे तरीके से आप इसमें पूरे नंबर प्राप्त कर सकें। एक GM काउंटर के प्लेटो वक्र का ढाल 3% है प्रति 100 वोल्ट है, देखो 3% ढाल दे दिया आपको, तथा यह 1100 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 800 से 1000 वोल्टेज की आपकी दैनिक वोल्टता होती है और उससे ज़्यादा पर ही ऑपरेट होता है, तो यहाँ पर आपको दिया है 1100 वोल्ट। यदि गणितर गणना में 0.1% से अधिक की त्रुटि न करे, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे वैल्यू दी गई है, याद रखना 0.1% से अधिक की त्रुटि न करे गणितर गणना में। अब गणना से संबंधित आपके फॉर्मूले में N2 और N1 का जो एक रिलेशन था वो था, तो अधिकतम वोल्टता फ्लक्शन की गणना आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका फॉर्मूला याद रखना है कि स्लोप ढाल का फॉर्मूला क्या होता है, N2 - N1 / N एवरेज / 100/V2 - V1 / 100% में ये निकलेगा पर 100 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको जो स्लोप है वो 3% दे रखा है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है 3। N2 - N1 / N एवरेज इसकी वैल्यू आपको 0.1% दे रखी है, देखो गणितर गणना में, तो गणितर गणना यानी गणन दर जो है वो N2 और N1 के लिए थी, तो यहाँ पर इसकी पूरी वैल्यू जो है वो 0.1% दी गई है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1/1000 बन जाएगा, 10^-3 ये बन जाएगा, पॉइंट वगैरह हटाएंगे परसेंट के जो पॉइंट में यूज़ करेंगे। तो अब इसके बाद इसकी वैल्यू आप रखेंगे फॉर्मूले में, तो देखिए आपको V2 - V1 का मान निकालना है, वोल्टेज फ्लक्शन बताना है आपको, तो आप बचेगा क्या, यहाँ पे जो V2 - V1 यहाँ पर था वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर चला जाएगा पक्षांतरण से, और जो एस होता है स्लोप वो आ जाएगा नीचे, तो मैंने स्लोप को एस से डिनोट किया है। तो V2 - V1 = N2 - N1 / N एवरेज / 100/S / 100% / 100%, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे V2 - V1 = 10^-3 जो N2 - N1 / N एवरेज की वैल्यू थी / 100, S की वैल्यू थी 3 × 100, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 10/3, यानी V2 / V1 का मान आएगा 3.3 वोल्ट। ये आपका आएगा V2 - V1 का मान, यानी प्रति 100 वोल्ट पर
जो आपका वोल्टेज डिफरेंस है वो 3.3 वोल्ट आता है जब इसकी जो स्लोप है वक्र की वो 3% होती है, और आप इस स्लोप को 5% से ज़्यादा नहीं लेंगे प्रति 100 वोल्ट के लिए। इस तरीके से ये काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जीएम काउंटर का जो प्लेटो वक्र है और ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जीएम काउंटर की दक्षता, काउंटिंग, पक्षाघात समय और गणन दक्षता में जो रिलेशन है वो, इसकी सीमाएं, लाभ के बारे में अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक को बिल्कुल हम कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप बिल्कुल भी इसको मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।